हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज हम लोग आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय घूमने के लिए, जो कि दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए घूमने के लिए। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और अब हम लोग गाड़ी को पार्किंग में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पार्किंग फ्री है, टिकट हमने ऑनलाइन ले लिया था, आप यहाँ पर भी टिकट ले सकते हैं। 100 रुपये का टिकट है यहाँ पर। भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे प्रधानमंत्री के साथ वॉक, सेल्फी, प्रधानमंत्री का साइन, ये सब चीज़ें भी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए अलग से 50-50 रुपये लगते हैं। बहुत हरा भरा है यहाँ पे, बहुत अच्छी सफाई है, बहुत सारे फूल हैं। हम लोग आ गए हैं अंदर और अब हम लोग जा रहे हैं ऑडियो गाइड के लिए। यहाँ पर आपको एक फ़ोन मिलता है और एक हेडफोन मिलता है, तो इससे आप इस फ़ोन में बटन होता है, आप जिस रूम में जाएंगे वहाँ पर बटन दबाना है आपको वहाँ, और वो जो फ़ोन है वो उस चीज़ के बारे में आपको बताएगा। फ़ोन और हेडफोन दोनों के 100 रुपये लगते हैं और आईडी जमा लिया जाता है और जाते टाइम आपको फ़ोन वापस करना है। हेडफोन वापस नहीं करना होता है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं और फ़ोन को जब आप जमा करेंगे तब आपको अपनी आईडी जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो ये पूरा मैप है प्रधानमंत्री संग्रहालय का। तो अब आगे चलते हैं। ये स्वागत कक्ष है, जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो एक बड़े दीवार पे आपको, पूरे दीवार पे एक बड़ा सा स्क्रीन मिलेगा जिस पे ये जो पिक्चर है वो चल रहा होता है। तो अभी से ही आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आगे भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अशोक स्तंभ है जो कि मैग्नेटिक है और ये घूम रहा है। तो ये मुझे, ये चुंबक की मदद से हवा में बिना किसी सहारे के घूमता रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो तिरंगा लहरा रहा है। बेसिकली ये लाइट है तिरंगा वाला। और यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हैं आपकी आज तक के हमारे सारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप सारे प्रधानमंत्री के बारे में देखते और जानते जाएंगे। तो चलते हैं आगे। बड़े बड़े स्क्रीन, बड़े बड़े प्रोजेक्टर, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है यहाँ पे। इसका मज़ा आपको यहाँ आके सामने से देख के ही आएगा। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता रही हूँ। यहाँ पर आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्रधानमंत्री की ऑटोग्राफ वाली चिट्ठी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे साइन हो रहा है और ये है यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ जो कि है हेलीकॉप्टर राइड, जो कि अभी होने वाला है।
तो इसको आप मिस ना करें। ये मैं ऐसे आपको बता नहीं सकती हूँ, ये आपको देख के ही मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं हेलीकॉप्टर राइड। और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो चलते हैं। जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, बैठो आगे। अरे मुझे पापा, कक्का पापा की गोदी। ये कक्का हेलीकॉप्टर, ये तुम लोग मजा लो, हम वीडियो बना रहे हैं। सामने देखना एकदम। स्वागत नए भारत और इंजीनियरिंग। अपनी कुर्सी की पेटी कसे और सवारी का आनंद ले। They're going to fly! Take off! Wow! Oh no! और ये डरे हुए यात्री, देखो वहाँ फ्लाईओवर पे जा रहे हैं हम लोग। ये पायलट थोड़ा ध्यान से। ये है शानदार ढोला सालिया सीट। Oh no! आप अपने लेफ्ट राइट भी देख सकते हैं। 5 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। सबसे लंबा फ्लाईओवर इंडिया का। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। प्लीज बचा लो हिमगा। अरे अरे हम लोग विंड फार्म, वाव, लेफ्ट राइट सब देख सकते हैं। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। वाव, अरे अरे पंख में बचा के, वो मस्त ना। मजा आ, ओ नो, अरे अरे टकरा जाएंगे। ओ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, नीचे 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 नीचे, लेट्स गो डाउन। सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वाह, ऊपर देखो ब्रिज, हिमालय श्रृंखला पर। वाह, ट्रेन जाएगी। नीचे बनी अटल सुरंग अरे अरे सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। नहीं 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 नहीं, साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को ये क्या था। बच्चे हम लोग बाल बाल अभी टकराने वाले थे, जो तटीय चारों तरफ देखो और अंतरदेशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। बहुत अच्छी चीज है करने के लिए, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। इसमें आपकी फ़ोटो खींच के स्क्रीन पे दिखाया जाता है, तो इसको यूनिटी चेन बोला जाता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग साथ में जैसे एक एक करके आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्क्रीन पे आ सकते हैं, तो इसमें भी हमें बहुत मज़ा आया।
हो गया, छोड़ दो, आ जाओ, तुम आ जाओ अभी। यूनिटी चेन है ना, चारों आ गए। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ वॉक है, जो कि करना आपको अकेले होता है, लेकिन स्क्रीन पे है, वहाँ पे आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री होते हैं, उनके साथ आपको स्क्रीन पे जोड़ के वॉक दिखाया जाता है। ये वीडियो और प्रधानमंत्री जी के साथ जो फोटो है वो आपको वहाँ पे नहीं दिया जाता है, आपको मेल किया जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर। तो अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप बना के जाएं। यहाँ पर चंद्रयान और मंगलयान के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आप बैठ के भी देख सकते हैं, कुर्सी टेबल लगा हुआ है, तो बैठ के आप देख सकते हैं। ये फीडबैक है जहाँ पर आप अपने हाथों से लिख के दे सकते हैं, इसमें आपकी फ़ोटो भी आ जाती है, और ये जो है वो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा स्क्रीन पे आ रहा है। तो अभी मैंने फ़ोटो के लिए कैमरे को दबा दिया है, और इस तरीके से लिख के आपको फ़ोटो पे जाके क्लिक करना होता है, और सामने स्क्रीन पे आपकी फ़ोटो और आपने जो लिखा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। टाइम मशीन, चलो चलते हैं। भारत ने एक सफल भारत और ये हम लोग आ गए हैं टाइम मशीन में। उस समय AEC के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना और अध्यक्ष डॉक्टर HN सेठना थे। भारत के सीमित क्षमता परीक्षण के बाद यहाँ पर सारे प्रधानमंत्री के समय में जो हुआ है वो सारी चीजें अच्छे से बताई गई है, और ये नहीं है कि बस फ़ोटो यहाँ पे लगा दिया गया है, पूरा स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन, और सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई है, दिखाया गया है, और सफाई तो देख के आपका मन खुश हो जाएगा। इतनी अच्छी सफाई है, सीढ़ी है, यहाँ लिफ्ट भी है, अगर आप सीढ़ी से नहीं जाना चाहें तो आप लिफ्ट से जा सकते हैं। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की लिखी हुई कविता है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इतनी अच्छी लाइटिंग है, इतना अच्छा स्क्रीन है, तो मज़ा ही आ जाएगा आपको यहाँ पे आके। ये पुराने समय का लैंडलाइन फ़ोन है, अगर आपने नहीं देखा है या आपके बच्चों ने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। राजीव गांधी द्वारा प्रयोग किया गया कंप्यूटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये ऊपर से नीचे आने के लिए ढलान बना हुआ है, जिसमें आज़ादी से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ है सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाया गया है, और भी आगे बन रहा है जो कि अभी खुला नहीं था, तो जहाँ तक अभी खुला हुआ था हमने वहाँ तक देखा। ये है ना।
इंदिरा गांधी का शुरू हो गया। डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी, ये देखो इंडिया का पहला कॉइन आराम 1959 में इंडिया में सबसे रेल प्रेम की पहली फिल्म अपू संसार इंदिरा गांधी। अभी 1972 में ही है। तेरा पैर नहीं था इनको, तो फिर भी तैर के ट्राई किया। इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज ISD कॉल शुरू हुआ 1972 में। पब्लिक भी कॉल करते पहले से सरकारी जॉब कर सकता है। चिपको अंदर ही क्या है। यहाँ पर 1982 में कलर टीवी आया था। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो कलर में दिखाई गई है। इसके पहले आपने देखा होगा कि सारा ब्लैक एंड वाइट था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का ये स्टडी रूम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई है। जैसा तब था उस वैसा ही सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। सारी किताबें, सोफ़ा, टेबल, ये है हाथी के दांत से बना हुआ शो पीस जो कि अब बैन है, लेकिन तब था। ये उनका ड्राइंग रूम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका बेडरूम है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको यहाँ पे आना